आज हम कम तेल में आधा कप कच्चे साबूदाना और एक आलू से बनाएंगे। इतना स्वादिष्ट मजेदार ऐसा नाश्ता जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। साथ में हम तड़केदार दही आलू का रायता भी बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है और इतना स्वादिष्ट होता है कि बिना व्रत का भी आप खाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झटपट इस स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए कढ़ाई या पैन में डालिए आधा कप कच्चे साबूदाना। ये मीडियम साइज वाले साबूदाना है। किचन टॉवल से मैंने सूखा ही पोंछ लिया है और अब हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि साबूदाना से मॉइस्चर चला जाए और बहुत ही अच्छे से पीस के पाउडर बन जाए। तो लीजिए, साबूदाना भून चुके हैं, फ्लेम बंद कर दें। 1 से 2 मिनट से ज्यादा ना भूने, तो अभी काफी गर्म है, हम 1 मिनट के ठंडा होने देते हैं। और अब हम खल में डालते हैं भुनी हुई 2 चम्मच मूंगफली। 3-4 मिनट के लिए मूंगफली को भून के छिलका निकाल दिया है और आप दरदरा कूट ले। तो देखिए दरदरा कूट लिया है, इधर साबूदाना भी थोड़े ठंडे हो गए हैं। मिक्सी के चटनी जार में डाल के पीस ले। तो लीजिए साबूदाना का पाउडर तैयार है, तो साबूदाना को थोड़ा ठंडा करके ही पीसे। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं साबूदाना पाउडर। तो बाकी की चीज डालने से पहले सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे ताकि साबूदाना को वक्त मिल सके फूलने में। और धीरे धीरे मिलाते हुए हम गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो कच्चे साबूदाना से नाश्ता बना रहे हैं इसलिए पानी सोक करेगा, तो फिर से डाल दें और मिला दें। तो देखिए वापस से थिक मिक्स हो गया, तो फिर से पानी डालें। तो देखिए धीरे धीरे करते हुए आधा कप साबूदाना में मैंने पूरे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। तो व्रत में वैसे गाजर खाते हैं, अगर आप नहीं खाते ना दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। गाजर के बदले आप 2 से 3 चम्मच कसा हुआ लौकी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए दरदरा कुटा हुआ मूंगफली 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर, 1 मीडियम साइज का उबला हुआ मैश आलू। तो आलू को उबाल के मैंने गरम में ही मैश कर लिया है, आप आलू को कस भी सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत ही आसानी से मिनटों में बनने वाला नाश्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है, आप हाथों से भी मिला सकते हैं ताकि अगर आलू के मोटे टुकड़े हो ना तो वो मिल जाए। तो आप देख सकते हैं बैटर अभी भी बहुत थिक है, इसलिए हम थोड़ा पानी और डालते हैं। बिल्कुल भी हम बैटर को पतला नहीं करेंगे, हम गाढ़ा ही रखेंगे। मिला लें। और अब बहुत ज़रूरी है कि इस मिक्स को हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दें ताकि और भी अच्छे से साबूदाना फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब वापस से मैंने सेम पैन चढ़ा दिया है। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा। तो और हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं इसलिए जीरा थोड़ा ज्यादा डालिएगा, हल्का सा तड़कने दें। जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 10 से 12 कटा हुआ करी पत्ता। तो देखिए हल्का सा तड़का तड़क चुका है, तो फ्लेम को कम कर दीजिए। और अब हम ये करी पत्ता जीरा का आधा तड़का नाश्ते के मिक्स में डाल देते हैं। तो थोड़ा सा जीरा करी पत्ता से तड़का लगा दीजिएगा ना, तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आप जीरा करी पत्ता नहीं खाते ना दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिए, तब भी अच्छे बनेंगे। मिला लें ताकि तड़का का फ्लेवर अच्छे से समा जाए। मिलाने के बाद वापस से ढक दीजिए। तो चूल्हा को मैंने बंद नहीं कम किया था, तो वापस से मैंने तड़का वाला पैन चढ़ा दिया है। और अब 1 हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च को मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू को उबाल के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्लेम को मीडियम कीजिए ताकि आलू भुन जाए। और अब 1/4 टीस्पून नमक डाल दें, बहुत ही थोड़ा सा यानी 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। 1 मिनट के लिए भून लें। तो लीजिए 1 मिनट के लिए आलू को भून लिया है और देखिए कितने करारे हो गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दें। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 100 ग्राम घर की ताजी दही। वैसे तो मैंने ताजी दही का इस्तेमाल किया है लेकिन इस टाइम 1/2 टीस्पून पीसी हुई चीनी डाल दें, ऐसे और टेस्ट बढ़ जाएगा और दही बाद में खट्टी नहीं होगी। तो उस टाइम हमने आलू के हिसाब से नमक डाला था और अब दही के हिसाब से थोड़ा और नमक डाल दें।
करीब 1/4 टीस्पून और साथ में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। तो थोड़ा मूंगफली मैंने पचा लिया था, तो डाल दीजिए दरदरा कुटा हुआ एक छोटी चम्मच मूंगफली और अब मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब डाल दीजिए ये तड़केदार आलू। तो आलू को थोड़ा वक्त भी मिल गया ठंडा होने में, एकदम गरम गरम आलू दही में नहीं डालें। तो अगर आप आलू को दही में नहीं डालना चाहते तो इसी तरीके से फ्राई आलू में कुटी हुई मूंगफली और एक छोटी चम्मच धनिया पत्ती डालिएगा और व्रत के आलू को फटाफट तैयार कीजिएगा। लेकिन एक बार इस तरीके से इस हेल्दी टेस्टी आलू का रायता बना के देखें, खाते ही रह जाएंगे। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से स्वादिष्ट आलू का रायता तैयार है। और अगर आप बिना व्रत का बना रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, अदरक या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर साबूदाना भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और अब हम एकदम आखिर में डालेंगे बाइंडिंग के लिए कोई भी व्रत का आटा। आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं और अगर बिना व्रत का बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आटा ज़रूर डालिएगा ताकि नाश्ते को बाइंडिंग मिल सके और बिल्कुल भी टूट के बिखरे ना। और अब हम मिला लेते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम सूखा ही मिला लेते हैं और अब वापस से पानी डालें, मिला लें। तो लीजिए नाश्ते का मिक्स तैयार है। धीरे धीरे करते हुए मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 500 ml। आप भी पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और व्रत का जो हमने आटा मिलाया है वो आप आलू के साथ भी मिला सकते हैं। तो इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स होगा। चलिए बिना देर के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए तवा चढ़ाया है, थोड़ा हम ऑयल लगा देते हैं। तो व्रत में आप जो भी ऑयल घी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा गर्म होना चाहिए और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हैं और इस तरीके से 1.5 चम्मच बैटर डालते हैं। और अब आपकी इच्छा हो तो हल्का हल्का स्पैचुला से गोल आकार कर सकते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो नाश्ते को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब लीड को हटा लें और अब हम बिना ढके इसी तरीके से खुले में 1 मिनट और पका लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। हमने उबले आलू का इस्तेमाल किया है और पानी ज़्यादा डाला है, इसलिए पानी का सूखना भी ज़रूरी है। तो लीजिए 1 मिनट के लिए और पका लिया है। जब ऊपर से पूरी तरीके से छिला ड्राई हो जाए ना, तब आप मामूली सा घी ऑयल लगा लीजिएगा, बिल्कुल कच्ची में पलटी नहीं कीजिएगा। और आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर भी आने लगा है और देखिए खुद ब खुद नाश्ता तवे को छोड़ दिया है। और अब हम धीरे से उलट लेते हैं। कमी व्रत का आटा भी डाला है, उबले आलू का इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए हल्का सा डार्क कलर आएगा। लेकिन देखिए कितना करारा सिक्का है और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। बहुत ज़्यादा बड़े आलू का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही बैटर को रेस्ट पे रखना है। तो लीजिए स्पैचुला से बीच बीच में दबाते हुए 2 मिनट और सेक लिया है। टोटल आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना करारा सिक्का है और कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इसी तरीके से हम सारे साबूदाना आलू चिले बना लेंगे। हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए हमने चिले को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम ये तड़केदार आलू के रायते को भी सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार नाश्ता है दोस्तों, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। और जब आप एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे ना, तो सभी तारीफ करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक चीला बनाया है और फटाफट सर्व किया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि शुरू में ढकते हुए और फिर बिना ढके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, पानी कम डालिएगा और आलू छोटा इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए। चीला और रायता आपका कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में कल मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।